अप्रैल में जब भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संकल्प पत्र जारी किया तो उसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया। इसके बाद गारंटी शब्द को लेकर खूब सियासी बयानबाजियां शुरू हुई। दरअसल भाजपा ने गरीबों को फ्री राशन, लखपति दीदी, सस्ते रसोई गैस, मिडिल क्लास को फ्री बिजली जैसे कुल 24 गारंटी देने की बात की। वहीं अब चुनाव के बीच एक बार फिर गारंटी सुर्खियों में है। कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में 50 दिन में बंद अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकले हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद अब कुल 10 गारंटी दी गई है। उन्होंने इसे केजरीवाल की गारंटी बताते हुए दावा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 10 गारंटियों को लागू कर दिया जाएगा। आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अक्सर अरविंद केजरीवाल को पीएम फेज प्रोजेक्ट कहते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन ने कभी प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। ऐसे में जेल से निकलने के बाद सीएम केजरीवाल ने आक्रामक तेवर से केंद्र सरकार पर अटैक किया है। उन्होंने 10 गारंटियों में चीन द्वारा कथित कब्जा की हुई जमीन को वापस लेने, अग्निवीर योजना को बंद करने की बात की है। दरअसल 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है। भाजपा के तर्ज पर ही उन्होंने गारंटी देकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि भाजपा ने 24 और केजरीवाल ने सिर्फ 10 गारंटी दी है। आइए अब डिटेल में दोनों दलों की गारंटियों को देखते हैं और यह जानते हैं कि पीएम मोदी और सीएम केजरीवाल ने जनता से क्या क्या वादा किया है। बात करें मोदी की गारंटी तो भाजपा ने संकल्प पत्र में सरकार बनने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। इसी के साथ भाजपा ने कुल 24 गारंटी दी है। भगवा दल ने देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों को सशक्त बनाने की बात की है। एक स्पीच में पीएम मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। इन गारंटियों के अगले 5 सालों में मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पानी, पीएम सूर घर, जीरो बिजली बिल देने का वादा किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत आगे भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। पेपर लीक पर बने कानून को भी लागू किया जाएगा। सभी नागरिक को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप, टूरिज्म आदि से युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर की देने की गारंटी। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गारंटी। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए लोन की गारंटी। आयुष्मान योजना में 70 साल की उम्र से ज्यादा के बुजुर्गों को भी शामिल करने की गारंटी। भाजपा ने करप्शन पर सख्त एक्शन लेने की गारंटी दी है। वहीं बात करें अरविंद केजरीवाल की गारंटी की तो जेल से निकलने के बाद आप और विपक्षी दलों ने अरविंद केजरीवाल का जोरदार स्वागत किया। वहीं भाजपा ने उन्हें जेल रिटर्न सीएम बताया। सीएम केजरीवाल ने वोटरों को 10 गारंटियां दी हैं, फ्री शिक्षा और 24 घंटे बिजली के साथ साथ अग्निवीर योजना बंद करने का वादा किया है। केजरीवाल की 10 गारंटियों में देश भर के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गांव और शहरों में सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे जिनमें प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा देने की बात कही गई है। मुफ्त इलाज, हर जिले में सरकारी अस्पताल बनाने का वादा, अग्निवीर योजना बंद करने की बात की गई है। इसके तहत अब तक जिनकी नौकरी लगी हुई है उन्हें परमानेंट करने की गारंटी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा। चीन द्वारा कब्जा की गई जमीन को वापस लेने का वादा। पूरे देश में करप्शन को खत्म करने की गारंटी। हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक और किसान को MSP में फसलों के दाम देने की गारंटी सीएम केजरीवाल ने दी है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।